किया मैम ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 7 का सेकंड चैप्टर कर रहे थे और हमने फ्रैक्शंस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, अबाउट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। नाउ आई एम स्टार्टिंग टुडे दिस 2.5 एक्सरसाइज व्हिच इज रिलेटेड टू डेसिमल्स। और डेसिमल्स हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, वो भी 2.5 एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ एक रीकैप एक्सरसाइज है जो हमने क्लास 6 में पढ़ी थी, वही सेम कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चंस यहां पर दे रखे हैं। तो जस्ट मैं क्विक आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बता रही हूं, उसमें से हर पार्ट हर क्वेश्चन का लिया है मैंने। तो सबसे पहले मैं बेसिक टर्म्स बता दूं डेसिमल की जो हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी कि सपोज यू हैव 256.312 है ना, 256.312 डेसिमल के बाद ये नंबर्स हम एक-एक नंबर को बोल देना, 312 नहीं बोलना है इसे, 256.312। और अगर इसकी डेसिमल प्लेसेस की बारे में बात करें हम, तो डेसिमल की जस्ट आगे जो होती है हमारी ये वंस प्लेस होती है, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज हंड्रेड प्लेस, है ना, जो आपने लॉर क्लासेस में सीखा है, और ऐसे आगे थाउजेंड एंड ऑल दैट। लेकिन डेसिमल के बाद की जो प्लेस है आपके पास, थ्री कौन सी प्लेस पे आएगा आपके पास, टेंथ प्लेस, एंड दिस वन इज अराउंड हंड्रेड प्लेस, एंड दिस टू इज अराउंड लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे कि आगे जो नंबर्स हैं वो 200 प्लस 56 पर डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हैं, दैट इज 3 × 1/10, क्या 3/10 भी लिख सकते हो आप, देन 1000 प्लेस पे है तो 1 × 1/1000, सॉरी 100 प्लेस पे तो 1 × 1/100 प्लस 2000 प्लेस पर है तो 2 × 1/1000, ठीक है। तो ये एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने का तरीका है, और पर्टिकुलर प्लेस की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तब भी हम लिख सकते हैं, जैसे 1 की प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास 100, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास 1s, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 10th, है ना। तो इस तरह से एक्सपैंड करना और प्लेस वैल्यू बताने के लिए भी आपके क्वेश्चंस हैं 2.5 एक्सरसाइज में, तो वो आप खुद करेंगे। Now I'm starting this question number 1. In first question we have which is greater, कि दो decimal place numbers हैं आपके पास, उससे compare करना है और check करना है कि कौन greater है। तो जैसे कि first part में हम हमें दिया है 0.5 and 0.05, तो last year भी हमने किया है। क्या करना होता है कि decimal के पहले वाली places आप देखो, है ना, here zero, here also zero, that is both are equal. Then decimal की बाद वाली places अगर हम देखें, here it is 5, here it is 0. तो 5 अब तक क्या है? Greater है 0 से, that means this number is greater. कि हमारे पास यहाँ पर पीछे 5 आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। आप चाहो तो right decimals में भी बना सकते हो कि अगर मैं इसमें दो places डाल दूँ decimal की, तो ये मेरे पास हो गया 0.50 and here it is 0.05. Obviously 0.50 is greater than 0.05. तो हर प्लेस के हिसाब से आप चेक करते जाओगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा डेसिमल नंबर ग्रेटर है। तो सिमिलरली मैंने फिफ्थ पार्ट लिया है यहाँ पर 2.03 एंड 2.30. सिंपली हम चेक करते जाए स्टार्टिंग से, हियर इट इज 2, हियर इट इज 2, देन डेसिमल, हियर इट इज 0, हियर इट इज 3. तो देखो यहाँ पर 3 क्या है, ग्रेटर हो गया आपके पास, है ना। भले इसके बाद वाली टर्म 0 है, छोटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम सीरीज से चलते जाए हमारे पास यहाँ 3 ग्रेटर आ गया, दैट मींस दिस नंबर इज ग्रेटर। तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप बहुत इजीली कर सकते हो, ट्राई दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने 6th क्लास में किए हैं, है ना, और इसी के नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 4th भी दे रखा है जिसमें हमें किलोग्राम्स के अकॉर्डिंग डेसिमल प्लेस में करना है। तो ये सारे आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार मैं हिंट के हिसाब से बता देती हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखो कि एक्सप्रेस इज रुपीज, तो वी नो दैट कि 1 रुपीज में हमारे पास कितने पैसे होते हैं, 100, 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मुझे 7 पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता था हमें, 7/100 और जीरोस के हिसाब से हम पॉइंट प्लेस करते थे, दो जीरोस है तो हमारे पास क्या हो गया 0.07 रुपीज, ठीक है। तो सिंपली ये मैथ
आपने किया हुआ है. सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट मैंने लिया है. इन दिस थर्ड पार्ट वी हैव 77 रुपीस एंड 77 पैसे. तो दिस 77 रुपीस इज ऑलरेडी इन रुपीस, तो उसे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. हमारे पास ये एज इट इज रहेगा. सिंपली हमारे पास जो 77 पैसा है उसे हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है. तो सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर मैं इसके नीचे डिवाइड बाय 100 करो, एज 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास. इसको अगर हम डेसिमल्स में करें तो दिस विल बी 0.77. सो द लास्ट आंसर इज 77.77. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो. नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम एज दैट. क्या दिया हमें कि 35 मिलीमीटर्स है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर्स, मीटर्स एंड किलोमीटर्स, तीनों में कन्वर्ट करना है. तो सबसे फर्स्ट हम ले रहे हैं कि 35 मिलीमीटर्स है, उसे हम सेंटीमीटर में करना चाह रहे हैं. तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 10 मिलीमीटर्स. दैट इज हमें क्या करना है, इसे डिवाइड बाय 10 करेंगे हम, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर्स में आ जाएगा. तो डेसिमल के अकॉर्डिंग देखिए, तो दिस विल बी 3.5. पीछे से आपको डेसिमल केस लगाना होता है, तो दिस इज इट, 3.5 सेंटीमीटर्स. अब इस सेंटीमीटर्स वाली टर्म को हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना है. तो वी हैव 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. दैट मींस इसे अगर हम 100 से डिवाइड करें, 3.5 ऑलरेडी है एंड यू हैव दिस 100. अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है आपको डाउट हो कि ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट है और दो जीरोस नीचे है. दैट मींस इस पॉइंट को हमें दो डेसिमल प्लेसेस आगे शिफ्ट कर देना. क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 है, 1 डेसिमल प्लेस आगे शिफ्ट होगा और ये सेकंड. तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ जाएगा ना, यहाँ से 2 डेसिमल प्लेस आगे. और कोई भी नंबर आपका पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता है, तो यू हैव टू राइट दिस 0 हियर. ओके, तो दिस इज इट, सेंटीमीटर्स. 0.035 सेंटीमीटर मीटर्स ये आपके पास ही कन्वर्ट हो गया. नाउ इस मीटर को हमें किलोमीटर्स में चेंज करना है. सो वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स. दैट मींस इसको अगेन हमें 1000 से डिवाइड करना है. सो वी हैव 0.035 अपॉन 1000. अगेन वापस से वही रूल कि 1000 है, 3 जीरोस है, यानी कि इस डेसिमल प्लेस को आगे हमें 3 डेसिमल प्लेसेस आगे इंक्रीज करना है. तो 0.35 ऑलरेडी था, यहां पॉइंट था मेरे पास 0, 0 and 0 and this point. तो मेरे पास जो point था वो 3 decimal places मैंने आपके increase कर दिया and this will be now kilometers. ठीक है, ये बहुत ही easily हो जाता है, बस आपको ये changing rules पता होने चाहिए, है ना. Now for the next question, I am taking question number 8. Shyama bought 5 kg 300 grams apple and 3 kg 250 grams mangoes. Sarla bought 4 kg and 800 grams oranges and 4 kg 150 grams bananas. Who bought more fruits? So, very easy is this. आपने ये question भी last year किया था, है ना? कि पहले आप इन weight को आप पहले decimals में convert कीजिए और फिर compare कीजिए. So, solution क्या है? Shyama का पहले हम देखें कि Shyama bought 5 kg and 300 grams. तो जैसे अभी हमने कन्वर्ट किया था कि 5 kg तो 5 kg में ही है, लेकिन दिस 300 इज इन ग्राम, तो हमें उसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है. 1 kg में कितना होता है, 1000 grams होता है. सो डिवाइड बाय 1000 एंड इफ वी चेंज इट इनटू डेसिमल्स वी हैव 3 जीरोस है, यानी कि 3 वैल्यूज के आगे पॉइंट होना चाहिए. तो 5.300 जी आपके पास क्या हो गए, एप्पल्स हो गए. एंड शी बॉट मैंगोज आल्सो. तो मैंगोज कितने थे हमारे पास, 3 केजी एंड 250 ग्राम्स. तो सेम पैटर्न में अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो 3 केजी तो है ही आपके पास एंड दिस 250 अपॉन 1000, दैट मींस 3.250 केजी. नाउ हमें बताना है हू बोट मोर फ्रूट्स, यानी कि पहले हम इसका टोटल कर लें कि कितने केजी फ्रूट्स उस श्यामा ने खरीदे. तो श्यामा बोट फ्रूट्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 5.300 प्लस 3.250. जाओ तो आप ऊपर नीचे लिखकर ऐड कर सकते हो या
डायरेक्टली भी एड कर सकते हो, दिस विल बी 8.550 केजी फ्रूट्स। सेम वे में हम सरला के लिए अगर फाइंड आउट करें तो सरला बॉर्ड ऑरेंजेस इक्वल्स टू 4 केजी एंड 800 ग्राम्स, दैट मींस 4 प्लस दिस, दैट इज 4.800 केजी। एंड सिमिलरली शी बॉट बनानास आल्सो, सो शी बॉट bananas 4 kg and 150 grams, that means 4 plus 150 upon 1000, that is 4.150 kg. Now total fruits bought by this bought by Sarla is, Sarla bought fruits kitna hoga dono ko add kare hum, that is 4.8 0 and 4.150, 8 करें हम इसको, तो दिस 8.950 kg and this 4.800 kg। तो सिंपली हमें पूछा था who got more fruits, सिंपली हम कंपेयर कर सकते हैं कि सरला बॉट मोर फ्रूट्स, सो राइट इट एट द लास्ट, सरला बॉट मोर फ्रूट्स। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। और इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन ये है जो आप खुद करेंगे और मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगी मैं।